नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साधना पत्रा। चलिए खबरों का आगाज करते हुए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। जिस तरीके से बारिश हो रही थी उसी तरीके से मुंबई के चेंबूर इलाके में दीवार गिरने 7 लोगों की मौत हो गई, और जबकि विक्रोली में 3 लोगों की मौत हो गई है। कुल मिलाकर बारिश से जुड़े इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। ये हादसा जो है आज रात 1 बजे हुआ है। घटना वाशी नाका के न्यू भारत नगर में हुई है। लगातार बारिश से एक पेड़ दीवार पर गिरा और फिर दीवार गिर गई और इसमें 7 लोग दब गए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी इस दौरान मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार आपको बता देते हैं कि दीवार के मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। घटना के बारे में जानकारी जो हमें मिली है करीब अप्रोक्सीमेट 5 बजे करीब हम घटना की जानकारी मिली है सर। और उसके बाद सर, क्योंकि हम अभी अलग रेस्क्यू कीर्ति नगर में रेस्क्यू काम कर रहे थे सर, तो वहाँ काम छोड़ के अभिलंब, क्योंकि यहाँ पर जरूरत था हमको, तो यहाँ पर हम अभिलंब मार्च किए हैं और यहाँ हम करीब सर 5:45 बजे करीब 6 बजे करीब यहाँ पहुँच चुके हैं सर। और पहुँचने के बाद सर, क्योंकि हमने टाइम नहीं देखा क्या एक्चुअली टाइम हो रही है, और क्योंकि और हमारा रेस्क्यू काम जारी है सर, जैसे देख चुके हैं। करीब करीब कितने बॉडीज को आप लोगों ने रेस्क्यू किया है सर? NDRF आने के बाद सर हमने 2 डेड बॉडी अभी तक रिकवर किया है सर। 2 डेड बॉडी रिकवर, राइट राइट। इसके पहले कितनी बॉडीज रिकवर हुई थी, फायर डिपार्टमेंट से क्या जानकारी मिली? फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ जो यहाँ के सिविल पब्लिक हैं, इन्होंने जो जानकारी दे रही है, सिविल पब्लिक लोग जो इन्होंने अपने सहयोग से इन्होंने 10 अभी तक डेड बॉडी रिकवर करवाए थे। सिविल पब्लिक का बहुत ज्यादा योगदान रहा यहाँ। और वहीं सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, और इस सत्र में पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक्टिव हो गए हैं। मानसून सत्र से पहले सरकार विपक्ष को भरोसे में ले लेना चाहती है, क्योंकि सेशन में जरूरी कामकाज हो और टकराव ना हो, इसके लिए आज सत्ता और विपक्ष के नेता चर्चा करेंगे। आपको बता दें सर्वदलीय बैठक में PM नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बैठक सुबह 11 बजे पार्लियामेंट अनेक्सी में शुरू होगी और दोपहर 3 बजे NDA की मीटिंग भी होगी। और इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शाम 4 बजे सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं शाम 6 बजे सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। मानसून सत्र से पहले सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। बैठकों का दौर भी चल रहा है। उम्मीद है कि संसद में कामकाज का रिकॉर्ड बनेगा और हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगा। यह भी बताया जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति M.वेंकैया नायडू ने शनिवार को अपने आधिकारिक आवास पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की। उपराष्ट्रपति कार्यकाल की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया। और इस बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं वो M.वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति निवास पर आज संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात भी की थी। वहीं बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के प्रशासनिक महकमे में शनिवार को उस समय खलबली मच गई जब एक असंतुष्ट IAS अधिकारी ने शनिवार को एक थाने में शिकायत देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ एक प्राथमिक दर्ज कराने की मांग की। वर्ष 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सुधीर कुमार दोपहर में गर्दनीबाग थाने में पहुंचे, लेकिन उन्हें अपनी लिखित शिकायत का की पावती लेने के लिए 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा। और यूपी के डुमरियागंज में सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि प्रियंका राजनीतिक टूरिज्म के तहत उत्तर प्रदेश आती है और राहुल गांधी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। बता दें कि यहां सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रियंका के यूपी दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ फोटो सेशन कराने यूपी आती है। वहीं राहुल गांधी के उस बयान पर उन्होंने कहा कि वे RSS में जाने की बात कह रहे हैं। उस प्रतिक्रिया पर उन्होंने जवाबी तौर पर कहा कि राहुल मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, जो अपने वर्षों पुराने नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है, मुझे लगता है डरपोक तो वो खुद हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, दौरा कब होना चाहिए था? जब उत्तर प्रदेश के जिला परिषद के चुनाव हो रहे थे, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे थे, तो कहीं से कोई उनके पास कांग्रेस का कोई प्रत्याशी भी नहीं था कि वो ब्लॉक प्रमुख लड़ सके, जिला परिषद लड़ सके। तो अब स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। अब जब चुनाव ख़त्म हो गया तो बयान देने फोटोशैप के लिए निश्चित तौर से आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, पब्लिसिटी पे करना चाहती है। अब चाहे वो लखनऊ में आखिर धरना दे रही, तो उनसे पूछिए कि अगर लखनऊ में धरना दे रही हैं तो वो राजस्थान सरकार के खिलाफ़ धरना दें। पंजाब में उनकी कांग्रेस की सरकार है,
खुद चीफ मिनिस्टर बगावत कर रहा है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि नेतृत्व का मतलब दखलंदाजी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कि आज चाहे प्रियंका हों या राहुल गांधी हों, आज उनका नेतृत्व जनता ने अस्वीकार कर दिया है, इसलिए जो उनके प्रदेश के भी जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं वो डरपोक हैं और वो आरएसएस के लोग हैं। तो इससे साफ हो गया कि कितनी मानसिक रूप से वो दिवालिया हो गए हैं कि अपने कांग्रेस के उन तमाम जो वर्षों से कांग्रेस में थे उन नेताओं को आरएसएस का कह रहे हैं, तो ये उनकी बौखलाहट है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि डरपोक तो वही हैं कि अगर उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, किस डर से वो अपने उस कांग्रेस की ड्राइविंग सीट को छोड़ के कूद गए और आज कांग्रेस की गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है। सोनिया अस्वस्थ हैं तब भी वो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसी तरह से काम चलाऊ व्यवस्था है। तो आज स्वाभाविक है कि जब गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस कोई अगर है वो खुद ही राहुल गांधी कूद चुके हैं, तो अब निश्चित तौर से आत्मघाती कदम खुद उठा रहे हैं। और दूसरों को ये कहना कि कांग्रेस में लोग जा रहे हैं तो कौन। और ओडिशा सरकार ने 26 जुलाई से कक्षा 10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। आपको बता दें ये निर्णय सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के लिए लागू होगा। शनिवार को स्कूल और जनशिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सत्यव्रत साहू ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से कुल छात्रों में से केवल 40% तक ही पहुँच पाए हैं, जबकि अन्य 60% अभी भी पीछे रह गए हैं। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण राज्य में स्कूली छात्रों को कक्षा शिक्षण के 50 दिनों का नुकसान हुआ है। कोविड-19 प्रतिबंध राज्य में स्कूली छात्रों ने कक्षा शिक्षण के 150 दिन खो दिए हैं। अब 26 जुलाई से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए निजी और सरकारी दोनों स्कूल फिर से खुलेंगे और कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगी। आपको बता दें इस दौरान कोई लंच ब्रेक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सभी रविवार और सभी छुट्टियों के दिन स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने जून के महीने में वैक्सीनेशन के लिए जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की थी, जोर शोर से शुरू हुए इस अभियान पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। आपको बता दें दिल्ली सरकार ने वैक्सीन की कमी के कारण इस अभियान को बंद कर दिया है और यहां दिल्ली सरकार की तरफ से वैक्सीन बुलेटिन जारी करने वाली आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी ने इस संबंध में कहा कि वैक्सीन की सप्लाई इतनी कम है, इस तरह का अभियान चला पाना संभव नहीं है। दिल्ली में जहां बूथ जहां वैक्सीन अभियान की स्थिति को लेकर आतिशी ने कहा कि अगर वैक्सीन ही नहीं है तो अभियान कैसे चलेगा। यह अभियान हर हफ्ते हर वार्ड में शुरू किया गया था। उन्होंने स्पेशल ये भी कहा कि यहां वैक्सीन एक दिन आती है, अगले दिन लगाई जाती है, फिर अगले दिन दो दिन वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं करवाई जाती। लिमिटेड सप्लाई के आधार पर कोई अभियान नहीं चलाया जा सकता। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी देखने को मिली है, लेकिन यहां देश के कुछ राज्यों से अभी भी कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी अधिक है और ऐसे में केंद्र सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। भारत भर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान फिलहाल जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी कर चुके हैं। इस बीच शुक्रवार को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने कोरोना की तीसरी लहर से सावधान रहने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि देश में अगले 5 महीने के लिए 118 करोड़ कोविड वैक्सीन उपलब्ध होगी। अगस्त से दिसंबर के बीच देश के पास 118 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी। 66 करोड़ कोविशील्ड और कोवैक्सीन उपलब्ध होगी, जिसे केंद्र राज्यों को उपलब्ध करवाएगा। वहीं 22 करोड़ वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी और इस बीच आपको बता दें कि 30 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर पहले से दिया जा चुका है और यहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी समय समय पर कोरोना से जुड़ी अपडेट लोगों को देने का काम भी कर रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, दुनिया के कई हिस्सों में हालात बिगड़ रहे हैं, ऐसे में भारत को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी तक भी जो किया है वो लगभग जो टारगेट जिनकी बात आप कर रहे हैं उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ भी दिखाया गया है कि जुलाई तक 50 करोड़ या उससे ऊपर की डोजेस हमारे पास उपलब्ध का विजिबिलिटी थी और वो लगभग उसी तरीके से चला हुआ है।
अब आगे की प्लानिंग देखिए, आपको मालूम है कि आगे की प्लानिंग हमारी सुदृढ़ है और आज सरकार ने 66 करोड़ डोजेज कोविशील्ड कोवैक्सीन का ऑर्डर दिया है और इसी प्रकार इन्हीं की प्रोडक्शन के 22 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, तो एक विजिबिलिटी अगस्त और दिसंबर के बीच में 88 करोड़ तो ये दो प्रोडक्ट की है। इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि प्री ऑर्डर बायोई का हुआ है तो उसको ऐड करिए तो 118 करोड़। तो ये तैयारी सरकार की आप जो सवाल कर रहे हैं पूरी चली हुई है। इसके अलावा जो वैक्सीन विजिबल होंगे, चाहे वो जाइडस का वैक्सीन है, चाहे वो दूसरा नोवावैक्स या कोवावैक्स वैक्सीन है, थोड़ा थोड़ा आएंगे वो भी हम देखते हैं, स्पुतनिक का भी अपटेक बढ़ेगा, तो ये सब उसी रोड मैप पे चले। और मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, जिसके चलते राज्य में भू स्खलन की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। शिमला स्थित मौसम केंद्र ने कहा कि मौसम की जो हालिया परिस्थिति है और अलग अलग वैश्विक और क्षेत्रीय मॉडल के विश्लेषण से संकेत मिला कि हिमाचल प्रदेश में बारिश की गति और ज्यादा बढ़ेगी और अगले 3-4 दिन में निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों में सामान्य से भारी बारिश होगी। मौसम केंद्र ने चेतावनी देते हुए कहा कि पूर्वानुमानित मौसम परिस्थितियों की वजह से यहां भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। और यहां लेके छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। तो मैं नीचे कैसे देख सकती हूँ? आपकी गलती नहीं, ऊपर वाले की गलती है। खबर दिल्ली की लिखी हुई है और विजुअल चल रहे हैं, हिमाचल के बर्फ पड़ रही है। ब्रेक का उसी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कोरोना की कर लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों का काफी ज्यादा बुरा हाल देखा गया था। आज सभी यही चाहते हैं कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसमें किसी को भी कोई परेशानी ना हो। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी तैयारी शुरू कर दी गई है और इसको लेकर बहुत सारी संस्थाएं और एनजीओ भी अब आगे आ रही है। वही तीसरी लहर को लेकर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के लिए एक एनजीओ ने मदद का हाथ आगे बढ़ा है। आपको बता दें लाखों के ऑक्सीजन और मेडिकल सामान अस्पताल को दे दिए गए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सिलेंडर और यहाँ तक कि ऑक्सीजन को लेकर या फिर कोरोना की जो जितने भी इलाज है, इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम है वो कहीं ना कहीं एनजीओ की तरफ से अस्पताल के अंदर दिए गए हैं। और कौन से अस्पताल के अंदर दिए गए हैं इनसे यही जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका पहले तो नाम जानना चाहेंगे और दूसरा ये आप लोगों ने सामान जो अस्पताल के अंदर दिया है इससे कितना तीसरी वेव के अंदर फायदा होने वाला है? जी मैं तरुण गोस्वामी ऑक्सफर्म इंडिया से, मैं इनका प्रोजेक्ट ऑफिसर हूं और पूरा दिल्ली देख रहा हूं। विभिन्न अस्पतालों में हम तीसरे वेव जो है कोरोना की जो संभावित वेव है उसके आने से पहले हम अस्पतालों को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि हम जो है इस काबिल बन सके कि अगर कोई संभावित वेव ऐसी कोई आती है तो जो क्षति हमें दूसरे वेव में हुई थी वैसी उस अनुपात में कम हो। तो इसी तर्ज पर हम लोग विभिन्न अस्पतालों में कुछ सामान हैंड ओवर कर रहे हैं और इस श्रेणी में जो है हमारे दो बड़े बड़े अस्पताल जैसे हैं जीटीबी हॉस्पिटल और आपका ये डीडीओ हॉस्पिटल, इसमें हम लोगों ने इससे पहले भी डोनेशन कर चुके हैं, मतलब कुछ सामानों का, ये बाईपैप मशीन, मल्टी पैरामीटर, पेशेंट मॉनिटर, ये सब पहले भी आ चुका है। और इस बार जो है हम आईसीयू बेड सेटअप के लिए दो वेंटिलेटर भी साथ में लेके आए हैं, साथ में 20 ऑक्सीजन सिलेंडर, 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3 बाईपैप मशीन और 3 मल्टी पैरामीटर पेशेंट मॉनिटर हमारे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई घंटे की बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भी भर गया जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। तो यहां आपको बता दें कि मुंबई में बीती रात तेज बारिश होती रही, मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई पानी पानी नजर आई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको मुंबई की दिखाई जा रही है जहाँ शहर की गांधी मार्केट में सड़क पर पानी भरने के चलते बस के टायर तक डूब गए हैं। इसके अलावा बारिश ने भारतीय रेलवे की सेवाओं पर भी काफी असर डाला। मुंबई का साइन रेलवे ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आया है। कई घंटों की बारिश के बाद रेलवे स्टेशन में बने ट्रैक पर घुटनों तक पानी भर आया है और यहाँ आपको बता दें कि
हर साल मुंबई वासियों को भारी बारिश से उपजी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। कावड़ यात्रा को लेकर इतने दिनों से चल रही असमंजस की स्थिति आखिरकार खत्म हुई है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार को सशर्त अनुमति पर पुनर्विचार का निर्देश दिया है। यहां सरकार अपनी ओर से यात्रा पर रोक का सख्त फैसला शायद नहीं करना चाह रही थी। यहां कावड़ संघों से ही बातचीत की गई, इस पर संघों ने खुद ही कावड़ यात्रा को स्थगित कर दिया। सावन मास की धार्मिक परंपरा के तहत 25 जुलाई से कावड़ यात्रा प्रस्तावित थी। और कर्नाटक की बात कर रहे थे, कर्नाटक के मांड्या सीट से पूर्व सांसद रहे जी मेट गोंडा का मांड्या के एक अस्पताल में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि फेफड़े की बीमारी से ग्रसित जी मेडा गोंडा का अस्पताल में इलाज चल रहा था। पूर्व सांसद के निधन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने शोक संदेश में कहा कि गोंडा ने गांधी की शिक्षाओं को आत्मसात किया और कावेरी नदी जल बंटवारे के आंदोलन में सबसे आगे थे। गांधीवादी और पूर्व सांसद जी मेट गोंडा का वृद्धावस्था से जुड़ी बीमारियों के चलते शनिवार को कर्नाटक के मांड्या जिले के एक अस्पताल में निधन हो गया है और वो 93 साल के थे। और गोंडा के पारिवारिक सूत्रों ने ये बड़ी जानकारी दी है, उनके परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देव गोंडा ने भी गोंडा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। यहां कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर हुए आंदोलन में वो सबसे आगे थे। जी मेट गोंडा का निधन यहां 93 साल की उम्र में हुआ और जी मेट गोंडा मांड्या के एक बड़े नेता थे और किरुगावल्लू से 6 बार विधायक भी रह चुके थे। छात्र जीवन के दौरान उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और जेल भी गए। और यहां बताया जा रहा है कि मैसूर स्थित महाराजा कॉलेज और बेंगलुरु स्थित सरकारी लोक कॉलेज से पढ़ाई भी की थी। एक राष्ट्र एक दंड संहिता की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। ये याचिका बीजेपी के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने की है। आपको बता दें कि 161 साल पुरानी आईपीसी को खत्म करने की मांग भी की गई और यहां अर्जी में केंद्र सरकार को न्यायिक आयोग का गठन करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में ये कहा गया कि न्यायिक आयोग भ्रष्टाचार और अपराध से संबंधित सभी आंतरिक कानून का प्रशिक्षण करे और एक राष्ट्र एक दंड संहिता का मसौदा तैयार करे जिसके जरिए कानून का शासन सम्मान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। याचिका में कहा गया कि केंद्र को न्यायिक पैनल या फिर विशेषज्ञों का एक निकाय गठन करने का निर्देश दिया जाए जो कानून का शासन और समानता को सुनिश्चित करने और भारतीय दंड संहिता 1860 समेत मौजूदा कानून का प्रशिक्षण करने के बाद एक व्यापक और कड़े दंड संहिता संहिता का मसौदा जो है वो तैयार करे। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि संविधान का जो संरक्षक है और वो मौलिक अधिकारों का रक्षक होने के नाते भारत के विधि आयोग को भ्रष्टाचार और अपराध से संबंधित आंतरिक कानूनों का प्रशिक्षण करने और 6 महीने के अंदर कठोर भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। याचिका में इस बीच ये भी कहा गया कि अगर ये आईपीसी थोड़ी भी प्रभावित होती तो स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं बल्कि कई अंग्रेजों को सजा मिलती। इनमें से ये भी कहा गया कि 1857 जैसे आंदोलन को रोकने के लिए आईपीसी 1860 और पुलिस एक्ट 1861 बनाया गया था। ऑनर किलिंग, मॉब लिंचिंग, गुंडा एक्ट से जुड़े कानून आईपीसी में नहीं है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि विभिन्न राज्यों में एक ही अपराध के लिए सजा अलग है और इसलिए सजा को एक समान बनाने के लिए नई आईपीसी जरूरी है। तमिलनाडु को छोड़कर अन्य सभी राज्य नीट को स्वीकार कर चुके हैं। जस्टिस एके राजो ने परीक्षा के प्रभाव पर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। और इस बीच आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक नीट जारी रहने वाले ग्रामीण तमिलनाडु में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भविष्य में डॉक्टर नहीं मिलेंगे। मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एके राजो ने ये बात कही है। उन्होंने इस परीक्षा के प्रभाव पर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। जस्टिस राजन ने बताया कि नीट गरीबों को वंचित करता है लेकिन अमीर ही सबसे अधिक सीटें हासिल करते हैं। जब आप स्थानीय छात्रों को एमबीबीएस की पढ़ाई के
मौके नहीं देते तो संपन्न लोग डॉक्टर बनने के बाद दूरदराज के इलाकों में पीएससी की सेवा नहीं देने वाले हैं। वो पढ़ाई जारी रखने के लिए विदेश जाएंगे और अपना जीवन संवारेंगे। तमिलनाडु को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में नीट को स्वीकार कर लिया है। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि अगर राज्य भी जल्द ही ये मांग करने वाले में शामिल होंगे तो तमिलनाडु कई मुद्दों में अग्रणी रहा है। पहले हमने केवल हिंदी थोपने का विरोध किया था, लेकिन अब अन्य दक्षिणी राज्य भी विरोध कर रहे हैं। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि नीट परीक्षा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए राज्य द्वारा गठित समिति को 86,000 से अधिक अभ्यावेदन प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि नीट अपूर्णीय क्षति कर रहा है। और दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में यमुना नदी का पानी जो है वो प्रदूषण की वजह से एक बार फिर बेहद खतरनाक हो गया है। वीडियो आपको दिखाएंगे और जो दिल्ली के कालिंदी कुंज की है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि ये साफ तौर पर आप ये वीडियो देख सकते हैं, जहां साफ तौर पर आप प्रदूषण देख रहे हैं। सफेद झाग की चादर भी दिखाई दे रही है। और यहाँ वीडियो में जो नजारा है वो दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित यमुना नदी का है। यहाँ वशीला पदार्थ जो है सफेद झाग के रूप में नदी की सतह पर तैरने लगा है। पिछले 5 से 6 सालों में यमुना नदी में झाग की समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि इस जहरीले पानी का असर दिल्ली की जनता पर भी पड़ेगा। और बहरहाल केंद्र सरकार और दिल्ली की मौजूदा सरकार यमुना नदी को लेकर हर बार बजट पेश करती है, हर बार सफाई के लिए टेंडर भी निकालती है, लेकिन यहाँ फिर भी यमुना नदी का जो पानी है वो जस का तस बना रहता है। और इस बीच दिल्ली की आम जनता इस नदी की जो है अब नाला बुलाने लगी है। देखिए, यमुना नदी जो हमारे जो एक देवी तुल्य मानी जाती है और ये हमारी जीवन दायिनी है। ये क्षेत्र जो आपका दिल्ली से देख रहे हैं और आगरा तक जाता है, पूरे यूपी तक, यही सबको जीवन देती है। इसमें जो सब्जियां, इसके किनारे सब्जियां उगाई जाती हैं, पेड़ पौधे, फल फ्रूट्स उगाए जाते हैं, वो लोग खाते हैं, जिससे दूषित होता है। अब आप देख रहे हैं इस पर फोम आ रहा है, ये एक तरीके का जहर है जिससे लोग दूषित होंगे। और ये इसके लिए केंद्र सरकार और जो दिल्ली की सरकार है, इस समय जो सरकार है, उन दोनों को ध्यान देना चाहिए। इस पर बड़े बड़े बजट तो दिए गए हैं, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं लगातार ये फोम जैसी ये केमिकल आ रहा है, इस केमिकल को ख़त्म ही हो जाना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल का 18वां स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने कहा कि हाल ही में सुरंगों और सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थ भेजने और आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ ने असफल किया है। उन्होंने बताया कि बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा से 3,984 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। और डीजी राकेश अस्थाना ने कहा कि हाल ही में बीएसएफ ने सुरंगों, ड्रोनों के माध्यम से फायर आर्म्स और नशीले पदार्थों को भेजने और आतंकवादियों की तरफ से घुसपैठ के प्रयासों को विफल कर दिया है। आपको ये भी बता देते हैं, इस बीच की बीएसएफ महानिदेशक ने इस बीच ये कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा से 3,984 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है और 12 तस्करों और घुसपैठिए को मुठभेड़ में मार गिराया है। सैनिकों ने 24.51 लाख नकली नोट भी बरामद किए हैं। इसके अलावा सीमा सैनिकों ने 27.5 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं भी बरामद की है। देश की बांग्लादेश के साथ लगती सीमाओं पर भी बल के प्रहरी अपनी कर्तव्य निष्ठा व राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पित कर्तव्य निर्वहन का लगातार परिचय दे रहे हैं। सतर्क प्रहरियों ने तस्करों से लगभग 12,881 किलोग्राम मादक व प्रतिबंधित पदार्थ तथा 61 AK सीरीज व अन्य हथियारों सहित कुल 7,976 राउंड्स एम्युनिशन की जब्ती बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों से की है। इन कार्यवाहियों के दरमियान बल के मुस्तैद जवानों ने कुल 3,984 तस्करों व घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है और 12 घुसपैठियों अथवा तस्करों को सीमा का उल्लंघन करते हुए मुठभेड़ में मार गिराया है। इस दौरान बल के जवानों ने लगभग 24,51,000 की नकली करेंसी भारत बांग्लादेश सीमा से बरामद की है। सतर्क सीमा प्रहरियों ने 27.5 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली फेंसिडिल तथा याबा टेबलेट्स, जो नार्कोटिक ड्रग्स। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।